स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ जीरो डिग्री। मतलब जीरो डिग्री, जब हम थीटा को जीरो मान रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम किस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने कोई डायग्राम बनाया है इस तरह, ठीक है। इसमें सी एक्स लाइन पर ए सी एक्स, यहाँ पे सी पे हमने कोई थीटा एंगल बनाया है। अब इस लाइन पर हमने पॉइंट ए पर यहां से सी एक्स पर एक लंब डाला है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है ए बी, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट पर ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी एक्स। ए बी लाइन क्या है, सी एक्स पर परपेंडिकुलर है। लाइन सी ए, ये जो सी से लेके ए तक है, ये जो लाइन है वो क्या करेगी, धीरे धीरे इसके सी एक्स के बराबर आने की कोशिश करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी ए टेंड्स टू सी एक्स। मतलब टेंड्स का मतलब क्या है, उसके पास या उसके नजदीक आने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि हमने थीटा क्या लिया, जीरो डिग्री। जीरो डिग्री क्या होता है, बिल्कुल इसी लाइन पे, मतलब जितनी ये लाइन है उतनी ये एंगल बना रही है। एंगल ही क्या लिया है हमने, जीरो डिग्री लिया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होने की कोशिश करेंगी। क्यों, जिससे थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो जैसे जैसे ये पास आएंगी, जैसे ये है, ठीक है, अब जैसे जैसे ये पास आ रही है तो थोड़ी और लेंथ कम हो गई, थोड़ी और लेंथ कम हो गई। तो ये ए बी क्या है, ए बी हमने ये लाइन जो ली है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगी। डिक्रीज कैसे, ये धीरे धीरे जीरो की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब ये दोनों लाइन आपस में एक होने की कोशिश कर रही है, मतलब जीरो एंगल बनाने की कोशिश कर रही है, तो AB की जो लेंथ है वो टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के करीब पहुंच जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लेंगे AB इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जब हम इनके बीच में एंगल ही जीरो निकाल रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। और जो CA लाइन है वो CB के इक्वल हो जाएगी, CA इज इक्वल टू CB। तो इस तरह हम रेशियो निकालेंगे जीरो डिग्री का। तो अब हमने देखा कि जब हम थीटा इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो ए बी टेंड्स टू जीरो होने लगेगी। ये ए बी जो है जीरो होने लगेगी कब, जब सी ए टेंड्स टू सी एक्स, जब ये सी ए लाइन जो है वो सी एक्स के इक्वल होना स्टार्ट करेगी, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो जब इस तरह की प्रोसेस होगी तो सी बी जो है वो ए सी के कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएंगी आपस में। क्यों, जब ये लाइन इसी की तरफ आने की कोशिश कर रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच में एंगल जीरो डिग्री होगा और ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसलिए हमने लिया है AC इज इक्वल टू CB। अब हम निकालेंगे सबसे पहले साइन जीरो डिग्री। साइन जीरो डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे पी परपेंडिकुलर, ठीक है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेनस, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले हम देखेंगे जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। और जिस पर ये क्या है, AB लाइन जो है परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन जीरो की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो फर्स्ट होता है वो साइन के लिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है हमारी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या देखी थी, ए बी टेंड्स टू जीरो, ए बी जो है वो जीरो के करीब है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, जीरो अपॉन ए सी। तो अगर ऊपर की तरफ जीरो हो और नीचे कोई वैल्यू हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, पूरी जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू यहाँ से आ गई जीरो, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू, कॉस जीरो क्या होगा, कॉस जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं, ये पहले किसके लिए थी, साइन
साइन के लिए, दूसरी किसके लिए है, कॉस के लिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे साइन जीरो कॉस जीरो इन सबकी, ठीक है। तो थीटा हमने क्या ले लिया है, जीरो डिग्री। जब हम थीटा को जीरो लेंगे तो ए बी टेंड्स टू जीरो होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि इस सी एक्स लाइन पर ये जो ए बी है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब ये सी ए लाइन सी एक्स लाइन की तरफ आएगी, मतलब सी ए टेंड्स टू सी एक्स, सी ए लाइन सी एक्स की तरफ आने लगेगी, तो एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और जब ये थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो सी बी और ए सी क्या होगी, कोइन साइड हो जाएगी, मतलब आपस में इक्वल हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे साइन जीरो डिग्री की। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, और ये जो साइड होती है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। और जिस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहां से फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसके लिए होता है, ये साइन के लिए होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस साइड कौन सी है, ए सी। तो हमने ए बी क्या लिया था, ए बी टेंड्स टू जीरो, ए बी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। अपॉन में क्या है, ए सी, तो वैल्यू क्या आ गई, साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो। साइन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। अब हम निकालेंगे कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू, यहां से हम यूज करेंगे सेकेंड वन, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, सी बी, सी बी अपॉन हाइपोटेनस लाइन कौन सी है, ए सी, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिया था, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी सी बी के इक्वल हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब सी ए टेंड्स टू सी एक्स, जब सी ए लाइन जो है सी एक्स की तरफ हो जाएगी पूरी। तो यहाँ से दोनों ही इक्वल है आपस में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, क्योंकि सी बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए सी पुट कर सकते हैं, तो ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमारी साइन जीरो की वैल्यू आ गई जीरो, और कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू आ गई वन। अब हम निकालेंगे टेन कॉस सेक कॉसेक की वैल्यू। अब हम वैल्यू निकालेंगे टेन जीरो डिग्री की। टेन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू, ए बी हमने क्या माना था, ए बी टेंड्स टू जीरो, तो जीरो अपॉन सी बी इज इक्वल टू जीरो। तो टेन जीरो की वैल्यू भी क्या आ गई, टेन जीरो डिग्री की वैल्यू आ गई जीरो। अब हम निकालेंगे कॉसेक की, कॉसेक जीरो डिग्री। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट होता है, या फिर आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन जीरो डिग्री। तो साइन की वैल्यू क्या आई थी, साइन की जीरो डिग्री की वैल्यू आई थी जीरो। तो यहां से साइन को हम अपॉन में रखेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, अपॉन में ही आएगी, तो वन अपॉन जीरो। अगर अपॉन में कभी भी जीरो आ जाता है तो आप उसको फाइंड नहीं कर पाते हो, तो उसको आप क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी, ठीक है। अपॉन में कभी भी जीरो आता है तो उसको क्या लिखा जाता है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे सेक जीरो डिग्री की वैल्यू। सेक जीरो डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है, वन अपॉन कॉस, ठीक है, वन अपॉन कॉस हो जाएगा। कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वन, तो वन अपॉन वन। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई सेक जीरो की, सेक जीरो की वैल्यू आ गई वन। कॉस जीरो की वैल्यू क्या थी, वन थी। साइन जीरो की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। टेन जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जीरो आई। कॉसेक जीरो डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास कॉट। कॉट जीरो डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कॉट क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट, तो वन अपॉन टेन। टेन की वैल्यू क्या आई थी, जीरो आई थी, तो वन अपॉन जीरो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इन्फिनिटी, वन अपॉन जीरो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहां से हमने इन सारे फंडामेंटल यूनिट्स के जीरो डिग्री वैल्यू निकाले कि जीरो डिग्री पर इनके मान क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कैसे निकालेंगे हम, हमने डायग्राम बनाया है, रफली डायग्राम है, ठीक है। हम इसमें क्या ले रखे हैं, कोई लाइन है सी एक्स, ठीक है, इस पर हमने एक एंगल बनाया है ए सी एक्स, ए सी एक्स या फिर एक्स सी ए, इसमें क्या है एंगल क्या है थीटा, ठीक है। और हमने क्या बोला है कि थीटा इज इंक्रीजेस देन लेंथ ऑफ सीबी इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, सीबी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कैसे, ये क्या है कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहां भी थीटा है और यहां भी थीटा है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री आ गया और ये भी 90 डिग्री आ गया, तो यहां से कोई ट्रायंगल या फिर कोई शेप बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रफली बना रहे हैं कि इसको सिर्फ समझने के लिए कि अगर ये एसी जो है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वही एंगल एबी पे बने तो ये क्या होते जाएंगे, आपस में पास आते जाएंगे। जैसे ये 90 डिग्री में बन रहा है तो ये क्या होगा, एकदम पास आ जाएगा इसके, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये जो सीबी की वैल्यू है, सीबी की जो लेंथ है वो लगातार डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये जब पास आएगा तो सीबी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, पॉइंट बी गेट्स वेरी क्लोज टू सी, तो ये जो बी पॉइंट है वो सी के क्लोज आता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही कम हो जाएगी या टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, जीरो के करीब हो जाएगी। एंड व्हेन थीटा बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा क्या है 90 डिग्री होगा, देन पॉइंट बी एंड सी विल कोइंसाइड, तो पॉइंट बी और सी क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। अगर हम ये दोनों पॉइंट बराबर हो गए तो वैल्यू क्या आएगी यहां से, सी ए, ये क्या है सी ए, सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, क्यों हो जाएगा उसका रीजन बता दिया। और ये सी बी क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, सी बी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे ये लाइन जो है, ये एंगल थीटा जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो ये क्या होता है कि पास आते जाएंगे, तो सीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां से हम साइन कॉस कॉसेक सेक टैन कॉट इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। हमें क्या क्या याद रखना है, सी ए इज इक्वल टू ए बी, सी बी इज इक्वल टेंड्स टू जीरो। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है, कैसे, इस फॉर्मूले का यूज करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी, ठीक। तो हमने यहां से क्या माना था कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, हमें क्या मिला था कि ए सी इज इक्वल टू ए बी कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी। तो यहां से ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और जैसे ये इक्वल होंगी साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां से हम कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 90 डिग्री के लिए कौन सा यूज करेंगे, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है सी बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, सी बी टेंड्स टू जीरो, सी बी टेंड्स टू जीरो क्यों होगा, जैसे जैसे ये दोनों लाइन क्या है आपस में इक्वल होने लगेंगी, पास आने लगेंगी, थीटा क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, तो सी बी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहां क्या आ गया, सी बी की जगह जीरो अपॉन ए सी। तो यहां से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ऊपर की साइड क्या है जीरो है, तो यहां से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आ गई जीरो। अब हम निकालेंगे वैल्यू टेन की, टेन 90 डिग्री,
tan 90 डिग्री की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस, या फिर इस तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी, बेस क्या है सी बी, ए बी अपॉन सी बी टेंड्स टू जीरो, अपॉन में जीरो आ गया, वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकोगे इन्फिनिटी, तो यहां से क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अब साइन कॉस टेन, इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम, साइन से क्या निकाल सकते हैं कॉसेक की, कॉस से हम निकाल सकते हैं सेक की वैल्यू, और टेन से हम निकाल सकते हैं कॉट की वैल्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। या फिर आप यहां से कर सकते हो हाइपोटेनस अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या थी एसी और परपेंडिकुलर साइड क्या थी एबी, आपस में दोनों इक्वल है ही, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री, सेक 90 की वैल्यू कैसे निकालोगे कॉस 90 से, कॉस 9 का जस्ट अपोजिट, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है एसी, बेस क्या है सीबी, और सीबी टेंड्स टू जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी एसी अपॉन जीरो, इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में क्या आ गया जीरो आ गया। सिक्स्थ वैल्यू है कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, कॉट 90 क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है बेस टेंड्स टू जीरो, ये सीबी क्या है जीरो ही है, जीरो के करीब है, और क्या है ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड क्या आ जाएगी एबी, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। अब हमारे पास छह वैल्यू आ गई, साइन 90 की वैल्यू है 1, कॉस 90 की वैल्यू है 0, टेन 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, कॉसेक 90 की वैल्यू है 1, sec 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, और cot 90 की वैल्यू आ गई 0। हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इसमें हम ट्रायंगल्स के जो साइड्स और एंगल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशंस को पढ़ेंगे। इट इज द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। इसी को हम क्या बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं। काफी बार ये आता है माइंड में कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ऑसिनोग्राफी में होता है। ऑसिनोग्राफी मतलब जो समुद्र में टाइड्स होते हैं, जो ज्वार उठते हैं, उनकी हाइट को नापने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। और जैसे जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उसमें साइन और कोसाइन दोनों का यूज किया जाता है, ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस तरह से निकाले जाते हैं और ये क्या काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल 30 एंड 60। अब हम पहले 30 का निकालेंगे, देन हम 60 का निकालेंगे। तो हमने एक आइसोस्कल ट्रायंगल लिया है, मतलब इसमें इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू और इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू क्या है सेम है, मतलब इसके अंदर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं वो तीनों क्या होंगे 60, 60 एंड 60 के होंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि हमने मान लिया इसकी जो सारी साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स जो है वो 2a है। ठीक है, ए बी क्या हो गई 2a, ए सी क्या हो गई 2a, बी से लेके सी तक क्या हो गई 2a, ये AD लाइन जो है BC लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से BD की वैल्यू हम देखें तो क्या आ जाएगी A, एंड BC की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी A। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि BD = DC = A। ठीक है, और अगर हम सेपरेट एंगल्स की बात करें तो BAD एंगल BAD ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ये मिड में जो भी लिखा होता है एंगल उसी पे बनता है। तो BAD यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, क्यों आ गई क्योंकि सारे एंगल्स क्या थे 60 के थे। जब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन AD जाएगी तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे 30 30 के। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB एंड C, ये पूरा जो है इसमें D की वैल्यू क्या है, इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ
वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम वैल्यू किस तरह निकालेंगे? इन ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे बोधायन थ्योरम। इसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर करेंगे, देन हम बेस और परपेंडिकुलर उन दोनों का स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी, इसकी वैल्यू है 2a, इसका स्क्वायर। देन ए डी की वैल्यू क्या है? ए से लेके डी तक हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसको लिखेंगे ए डी स्क्वायर। प्लस हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या है? बी से लेके डी तक की वैल्यू है ए इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? ए डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास ए डी स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है? ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? स्क्वायर में है, तो जब ये रूट ओपन होगा तो रूट ओनली 3 पे रहेगा और a ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू क्या आ गई? रूट 3a। यहाँ से अब हम एंगल्स निकालेंगे। हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू है। AD क्या है? A से लेके D तक, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? रूट 3A। BD, BD की वैल्यू क्या दे रखी थी? A। और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2A, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि अगर हम एंगल 30 लेते हैं, मतलब ये वाला एंगल लेते हैं, तो इसके सामने कौन सी है? BD। तो BD क्या हो जाएगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और AB क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस। और ये B, A और D, A और D क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि बेस ये है, परपेंडिकुलर साइड ये है और AB क्या है? हाइपोटेनस है। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 क्या होगा? हमने फॉर्मूला देखा था PB। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे साइन 30 की। जैसे हमने पहले निकाली थी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? हाइपोटेनस HHB, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां से साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 30 कैसे निकालेंगे? पी अपॉन एच से, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर कौन है? ए है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है? 2a। ए से ए कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? 1/2। यहां से हमारी वैल्यू आई साइन 30 की 1/2। यहीं से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? कॉस 30। कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होता है? यहां से चेक करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? रूट 3a, रूट 3a अपॉन हाइपोटेनस क्या था? 2a, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? a से a कैंसिल, रूट 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है? कॉस 30 की, ठीक है। और अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे tan 30 की वैल्यू, ठीक है। tan 30 की या तो साइन अपॉन कॉस कर दो या फिर फॉर्मूले से निकाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए अपॉन बेस क्या है? रूट 3, ठीक है। ए से कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। तो यहां से हमारी तीनों वैल्यू आ गई। साइन 30 की वैल्यू क्या आई? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू आई? रूट 3/2। और टेन 30 की वैल्यू आई? 1/√3। अब यहीं से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कॉसेक की, ठीक है। कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी?
कॉसेक 30 क्या होता है, 1/sin। जो साइन की वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट कर दो, साइन की वैल्यू क्या है 1/2, ऊपर क्या है 1 के अपॉन में है 1/2, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू क्या आएगी 2/1 = 2, तो cos 30 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ऐसे ही हम वैल्यू निकाल लेंगे sec 30 की। sec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec 30 को क्या बोलते हैं हम 1/cos 30, मतलब cos 30 की जो वैल्यू आई है जस्ट उसके अपोजिट। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो यहां से sec 30 की क्या आ जाएगी 2/√3, ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट बची है हमारे पास cot, तो cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 1/10 30, 10 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। ठीक है, तो यहां से हमारी 6 वैल्यू निकल चुकी है। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। इसी तरह cosec की क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट मतलब 2। cos 30 की क्या हो जाएगी √3/2, तो sec 30 इसका जस्ट अपोजिट 2/√3। tan 30 है कि 1/√3, तो cot क्या आ जाएगा √3। यहां से 6 वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 60। अब यहां से हमने वैल्यू लिए θ = 60, मतलब यहां से वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमने जो राइट एंगल लिया है ADB, इसमें थीटा क्या है 60, तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है AD, और AD की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी √3a। ठीक है, और इसमें बेस क्या हो जाएगा BD, बेस क्या हो गया BD, जिसकी वैल्यू क्या है a। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB, हाइपोटेनस हो गया AB, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2a। अब हम निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है PBP/HHB। ठीक है, साइन 60 परपेंडिकुलर/हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है √3a/हाइपोटेनस क्या है 2a, a से कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है cos 60 क्या होता है base/हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे a, हाइपोटेनस क्या है 2a, a से कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1/2, दो वैल्यू आ गई, साइन 60 हो गया √3/2 और cos 60 हो गया 1/2। अब हम वैल्यू निकालेंगे tan 60 क्या होता है P/base, मतलब perpendicular/base, perpendicular क्या है √3a/base क्या है हमारा a, a से कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई √3, तो तीन वैल्यू आ गई sin 60 = √3/2, cos 60 = 1/2 और tan 60 = √3। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे cosec, sec और cot की, तो sin 60 है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट 2/√3। ठीक है, और अब निकालेंगे cosec से sec की वैल्यू, तो sec 60 क्या हो जाएगा cosec का जस्ट अपोजिट मतलब 2, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 है, तो sec की क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और बचा हमारे पास cot 60, tan की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, तो cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, क्योंकि cot क्या होता है tan का अपोजिट होता है। और अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45, 45 डिग्री पे इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है, तो अब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री,
ये हमने एक ट्रायंगल लिया है जिसमें यहाँ पर है 90 डिग्री एंगल और ये दोनों 45-45 के, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल 45 डिग्री, तो यहाँ से ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी की। तो यहाँ से हम क्या थ्योरम यूज लेंगे, बोधायन थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या थ्योरम थी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, A। तो यहां से AC स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ गया, 2a स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ac स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओनली ac की वैल्यू, तो ac इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, सिंगल a। तो यहाँ से ac की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट टू ए, ठीक है। अब हम निकालेंगे एंगल्स, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 45 के परपेंडिकुलर कौन है, ए अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, रूट टू ए, ए से कैंसिल 1/√2, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। अब सेकंड हम निकालेंगे कॉस 45 डिग्री, ठीक है। कॉस 45 की कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहां से क्या है, ए है तो ए, ठीक है। हाइपोटेनस क्या दे रखा है हमें, √2a, ए से कैंसिल 1/√2, दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो आप ये कह सकते हो कि 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम आती है। थर्ड है tan 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे ए है और बेस भी ए है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। और 45 डिग्री पर tan क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हम निकालेंगे cosec की, cosec 45 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब √2। फिफ्थ पे है sec 45 डिग्री, sec 45 कैसे निकालेंगे, cosec का जस्ट अपोजिट, मतलब ये भी √2। देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cot 45 डिग्री की क्या आ जाएगी, 1 का अपोजिट, मतलब 1 ही आएगा। तो यहां से हमने वैल्यूज निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। हमने क्या क्या पढ़ा, 30 डिग्री वाला पढ़ा, 60 डिग्री वाला पढ़ा, 0 डिग्री पे पढ़ा और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, इनकी जो वैल्यूज आई हैं, जैसे साइन 30, साइन 45 या फिर साइन 0 डिग्री, इन सब के बेस पे हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।